जनपद संभल के पूर्व ग्राम प्रधान और सचिवों द्वारा किए गए विकास कार्यों में धांधली और भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जहां ग्राम प्रधानों ने और सचिवों ने मिलकर लगभग 1,56,00,000 का घोटाला किया। वहीं जिलाधिकारी के निर्देशानुसार जांच पड़ताल कराए जाने पर भ्रष्टाचार में लिप्त सभी घोटालेबाज ग्राम प्रधान और सचिवों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसमें करीब 43 लाख रुपए की वसूली विभागीय अधिकारियों ने पूर्व ग्राम प्रधान व सचिवों से की गई। वहीं इस मामले को लेकर जिला पंचायत राज अधिकारी उपेंद्र कुमार पांडे से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अभी 17 मामले वर्तमान के सामने आए हैं, जिसमें वर्तमान ग्राम सचिव और प्रधानों से लगभग 8 लाख से अधिक की वसूली की जा चुकी है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।